आज तो भाई मजा लस्सी जी बहुत है, इतना बड़ा मग्गा तो है, मैंने पीना है अकेले ने, गाय थोड़ी हूँ या ऊँट थोड़ी हूँ। सर देखो सुबह सुबह नाश्ते के बाद लस्सी पी ली है, अल्लाह खैर करे आज नींद ना आए, बड़ी मतलब की लस्सी है वो मक्खन की बनाई है मामा ने, जो मलाई होती है ना उसकी। मज़े आ गए यार, बहुत मज़े की है, टेस्टी हुई है, बहुत मक्खन ऊपर आया हुआ इसके, क्योंकि देसी है हमारा दूध जो ना बहुत अच्छा, उसकी वजह से लस्सी भी बहुत अच्छी बनी, मलाई बहुत आती है उस पर, उसकी फेंटी लगा लगा के लस्सी बनाई है, बहुत मज़े की है। और तो आप लोग देख सकते हो अमूमन छोटा डिब्बा ही होता है लस्सी का या ग्लास होता है, देखो मेरा पूरा मग्गा फुल भरा हुआ था, तो ये मैं जल्दी जल्दी से इसको खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा ही रह गया। हाय 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 मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त हो गया, फिनिश कर लिया। थोड़ी देर तक ना हम पुशअप्स वगैरह का डिस्कस कर देंगे क्या किया आज। सो यार देखो आज तो ना लस्सी पी के वो नींद आई ना, नींद इतनी चढ़ी और इतनी सुस्ती चढ़ गई ना मैं बता नहीं सकता, मेरे और कोई काम नहीं किया मैंने, थोड़ा बहुत भी नहीं किया बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सो यार मैंने आपको बताना था कि पुशअप्स वगैरह के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था कि ना आपका भाई कर रहा है 7 डेज पुशअप्स चैलेंज, डेली 7 डेज, फर्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया था 30 पुशअप्स से, तो अब 35, 40, 45 मतलब अगले दिन ना 5 एक्स्ट्रा करने हैं, उसके अलावा मैं ना मतलब अपना टारगेट अचीव करने के बाद ना एक्स्ट्रा भी निकाल देता हूँ, तो वो मिला के ना 4 दिन के 200+ पुशअप्स बन चुके हैं। इंशाल्लाह ये हफ्ते बाद मैं ना अपनी प्रोग्रेस देखूंगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है मेरी बॉडी में, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उससे ये पता लगेगा कि पहले बॉडी कैसी थी अब कैसी है। मतलब लाइक आपको 7 डेज में तो कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी क्या, मतलब 7 डेज में मेरे को बॉडी शॉडी बन जाएगी, कट्स निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये सालों साल बॉडी बिल्डर्स वर्क करते हैं अपनी बॉडी पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये नहीं कि मैं एक हफ्ते में सारा कुछ दिखा दूंगा आपको, आपको भी एक हफ्ते की 6 पैक्स निकला, ये नहीं हो सकता। मतलब एक इंप्रूवमेंट तो आएगी इंशाल्लाह, मुझे इतना पता है कि मैं डेली डेडिकेशन से पुशअप्स वगैरह कर रहा हूँ रोज़ाना रूटीन के साथ, तो फिर थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट आएगी ना, और मैं भी महसूस करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हद तक ना मुझे इंप्रूवमेंट लगी अपनी बॉडी में ना। तो ये एक ना पुशअप्स करने का मकसद यही है कि यार डेली व्लॉग भी तो कर रहा हूँ ना, वो भी तो अपनी रूटीन शो करता हूँ ना, क्यों ना अपनी रूटीन को थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, पुशअप्स किए जाएँ, तो ये चीज़ें करना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो लाइफ के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी काम भी तो कर ही रहना, तो पुशअप्स कर लेंगे तो कौन सा कोई पहाड़ गिर जाएगा। तो बाल वगैरह मैंने बांधे हुए हैं कुछ, कितने कटवा लिए थे, कटवाने के बाद तो भाई बहुत ही मुझे अजीब लगे हैं, उसने तो मुझे जो उनसे कहा था ना दूसरे नंबर पर कटिंग की थी मेरी, वो वाली बिल्कुल ठीक थी, उसने कहा कि भाई ये ठीक है बहुत परफेक्ट लग रही है, लेकिन मैंने कहा यार थोड़े और छोटे कर दे भाई, मैं मुझे खुद को गर्मी लगती थी, लेकिन उसने जब ये किया ना, ये ना बांधने जोगे हैं ना मतलब खोलने जोगे हैं, ये अजीब से ही आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना फिर थोड़े से सेट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल ना नीचे से बेल आई थी कि फाइबर वाले आए थे इंटरनेट लगाने के लिए, उनका पहले इंटरनेट वालों का ना मसला ये था कि यार जब लाइट बंद होती थी ना तो नेट भी बंद हो जाता था, मतलब ऑब्वियसली कि UPS पे इंटरनेट चलना चाहिए, लेकिन अब वो अच्छी तार लगा रहे हैं क्या सीन, उन्होंने नया सेटअप लगाया, तो वो कहते हैं भाई अब UPS पे भी ना आपका इंटरनेट चल जाएगा इंशाल्लाह, और अब ना नेट भी ख़राब नहीं हुआ करेगा, वरना आए दिन डिस्कनेक्ट हुआ रहता था, बहुत ज़्यादा पंगे थे बहुत ज़्यादा रोले, तो वो नेट लगाने आए हैं, चलो चलते हैं उनके पास नेट का देखते हैं वो क्या सीन क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने चीज़ें लगानी है, इधर फिक्सिंग वगैरह करनी है, तो देखते हैं। सर देखो सीन अभी का ये है, फाइबर वाला नेट लगने लगा, ये तार ऊपर लगाएंगे, नेट वाले आए हैं, जो ख़राब होता था ना वो सारा मसला हल हो जाएगा, तो ये तार ऊपर चली गई है, देसी जुगाड़ लगाया है, मैं दिखाता हूँ अभी, ये प्लास नज़र आ रहा है वायर के साथ बांध के ऊपर जा रहा है, जियो पाकिस्तानी, कोई नहीं छोड़ दो उत्ते इतना ही आ जाएगी, छोड़ दो हमारी हैंड फ्री नीचे गिर गई थी सारी ट्रेट च भर गई। सर देखो हमारे इंटरनेट वाले आए थे वो मसला हल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर लेके आ रहे हैं, पहले मीडिया कॉम का नेट था ना, तो इससे ये फायदा होगा कि अब UPS पे भी इंटरनेट चलेगा, बस मॉडम को आपने सप्लाई देनी है आपका नेट चलेगा, तो पानी शानी पिला दिया उनको, वो ऊपर तार लगा के चले गए, कल परसों का कनेक्शन होगा, अभी नेट चल रहा है शुक्र है बहुत आता है, चलो अच्छा है कि नेट तो चल रहा है ना। तो अभी मैं भी पीता हूँ थोड़ा सा जूस, भी अपने लिए थोड़ा सा पी लेते हैं। हाय गर्मी भगाने का एक बेहतरीन हल मशरूम पियो, सुकून मिल गया ठंडा, आज हम ना कुछ खाएंगे अच्छा सा रोस्ट बना के, मज़ा आएगा। ओके तो ये नया कनेक्शन करके गए हैं, ये तार लगा के गए हैं, ये डबल तार इसलिए है, मतलब ये ट्रिपल है, ये जोन सी है ना ये वाली केबल की है, ये वाली पहले लगी हुई थी इंटरनेट की, ये वाली न्यू लगा के गए हैं जोन सी ये वाली है, तो ये इसलिए अभी ऐसे लगी हुई है, दूसरी वाली एक्स्ट्रा तार जोन सी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने ना 2-3 दिन तक कनेक्शन करना है, तो ये तार उतार देंगे, ये वाली परमानेंट रहेगी, तो यही कुछ लगा के गए हैं, अभी उन्होंने डिवाइस भी नहीं ला के रखी है, तो देखते हैं क्या होता है क्या सीन होगा, ये लगा के हैं अलहमदिल्ला। अभी आ गए मामू, तो अभी
जी तो आ जाना था मेरे मामू ने फ्राइडे आज, तो उनकी छुट्टी थी तो आज उनके लिए ना हमने बनाना है चरखा मतलब रोस्ट, चिकन रोस्ट। बड़ा मज़ा आएगा, नीचे बनाना शुरू कर दिया होगा मेरा ख्याल है। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं कि कितना बना है, क्या हिसाब किताब हुआ है, चलते हैं नीचे। तो भाई साहब ये देखो, इन्होंने चिकन को ना मसाले वगैरह लगा दिए हैं, अभी मेरा ख्याल बनाना है, इन्होंने बनाई करनी है क्या रोस्ट करेंगे उसके लिए। ये क्या होता है, कढ़ाई, कढ़ाई में बनेगा। तो ये कुछ आ गया, जब बनेगा ना तब दिखाएंगे। काम शुरू। मिनी आपने खाने खाने आपने चिकन कहते जी। तो भाई माशाल्लाह अभी प्रोग्रेस जारी है, ये बन चुके हैं, ये बन रहे हैं और वो सेकंड लास्ट है। भाई अभी प्रोग्रेस जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, टेस्टी जूसी लग रहे हैं। सो यार देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे डन हो गए, तो इनको दम देते हैं फिर ये रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। हाय हाय बहुत ज़्यादा डिलीशियस और लजीज लग रहा है। इसको देखो कितनी शौक चढ़ा हुआ है खाने, मिन्हा सही छलांगे मार रही है खाने के लिए। चल देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह अपना बन गया, तो फटाफट से अपना पीस चेक कर लेते हैं कि कैसा बना, मज़े का होना बहुत ज़्यादा। अभी जल्दी से फटाफट से इसको चेक कर दें, घर वाले सारे भाई बैठ के टीवी लाउंज में जलसा सुन रहे हैं इमरान खान का। हम आ गए ड्राइंग रूम में, आप बैठ के हम खाएंगे थोड़ा बहुत और टेस्ट करके बताऊँगा मैं आपको। तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ना खाना खाते हैं, अपना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। ओए होए होए क्या मज़े का टेस्ट है यार, बहुत ज़बरदस्त पीस बने मामा के हाथ की, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की बनती है। कसम से बाजार की भी क्या चीज़ होगी जो घर की चीज़ बनी मामा ने बनाई, बहुत मज़े का बना। देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, आइसक्रीम वगैरह भी खा ली है, अब पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया ना। अभी मेरे पुशअप्स रहते थे आज 60 पुशअप्स निकालने थे, तो मुझे नहीं लगता कि आज पुशअप्स निकल पाएंगे, क्योंकि अगर अब मैंने पुशअप्स निकाले ना तो जो खाया पिया ना वोल्ट वोल्ट होकर तो बाहर निकल आना। तो ऐसा करते हैं कि कल को 65 होंगे, आज 60 हैं, तो ऐसा करते हैं कल को ना 125 निकाल लेंगे। और 125 का मुंह आता है, ऐसा करेंगे ना कल का सारा व्लॉग ना हम अपने पुशअप्स पे निकाल देंगे, पुशअप्स को डेडिकेट कर देंगे, ठीक है। सुबह उठते ही पुशअप्स निकालेंगे 130 पुशअप्स, ठीक है। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं, इंशाल्लाह सुबह पुशअप्स निकालेंगे हम।